हेलो दिस इज अभिषेक एंड यू आर वाचिंग द इनसाइडर्स। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। और बात करते हैं जी, आज जो फिल्म रिलीज हुई है उसकी, मतलब उसके रिव्यू की बात करते हैं। दो फिल्में रिलीज हुई हैं आज, पहली है स्ट्रीट डांसर, दूसरी है पंगा। स्ट्रीट डांसर का अगर आपको रिव्यू जानना है तो ऊपर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल रहा होगा, ऊपर क्लिक कर दें तो आप उसका रिव्यू जान लेंगे। पंगा का रिव्यू अभी करना पेंडिंग था तो अब मैं उसका रिव्यू कर दूँ जल्दी जल्दी और आपको बता दूँ कि वो फिल्म देखने लायक है या नहीं। पहली ही लाइन में क्लियर कर दूं कि हाँ, ये फिल्म देखने लायक है उन लोगों के लिए जिनको ड्रामा पसंद है, कुछ इमोशंस पसंद है उनके लिए। हाँ, जिनको मसाला तड़क फड़क कॉमेडी वगैरह कुछ ज़्यादा ही कंटेंट अलग सा पसंद है वो भाई ना देखने जाएं। हाँ, जिनको फैमिली वाली फिल्में पसंद हैं वो देखने जा सकते हैं, क्योंकि ट्रेलर से ही मालूम पड़ता है कि फिल्म की स्टोरी क्या है। स्टोरी यही है कि कंगना रनौत, जो कि इंडियन टीम कबड्डी की जो कैप्टन थी, वो रिटायर हो चुकी है, मतलब उन्होंने अब संन्यास ले लिया है, और उनका बेटा उनको मोटिवेट करता है कि आप दोबारा फिर से ज्वाइन करें, और उनको लगता है कि अब मुझे दोबारा ज्वाइन करना चाहिए। ये एक बहुत बड़ी परेशानी होती है एक औरत के लिए, क्योंकि जब एक औरत की शादी हो जाती है फिर उसको अपना घर छोड़ के अपने पति के साथ, अपने मतलब नए घर वालों के साथ रहना होता है। फिर वो सारी जो दिक्कतें आती हैं घर में, कि बच्चे को तैयार करना, स्कूल भेजना, पति के ऑफिस की टेंशन, अपने गाँव की टेंशन, तो इसमें एक औरत है उसका काम है जो वो ख़त्म हो जाता है। तो इसी को लेकर फिल्म बनाई गई है, मतलब एक वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर फिल्म बनाई गई है। स्टोरी की बात कर रहा हूँ मैं, तो स्टोरी प्रिडिक्टेबल है कि हाँ, आपको पता चल जाएगा कि हाँ अब क्या होगा, क्योंकि अंत में सब कुछ अच्छा होना ही होना होता है, ये हिंदी फिल्में हैं, इतना चलता है। लेकिन इसकी जो प्रेजेंटेशन है वो बाकमाल है, बहुत खूबसूरत प्रेजेंटेशन है, चाहे वो स्क्रीन प्ले हो, चाहे वो कास्टिंग हो, चाहे वो डायलॉग्स हो, चाहे वो म्यूज़िक हो, फिल्म की प्रेजेंटेशन बहुत बढ़िया है। फर्स्ट हाफ की बात करें तो स्क्रीन प्ले में कहीं भी नहीं लगा कि थोड़ा सा टाइट होना चाहिए, मतलब बहुत ही टाइट रखा गया स्क्रीन प्ले। और स्टोरी को बताया गया कि कंगना रनौत की क्या स्टोरी थी, पास्ट क्या था उनका, फिर उनका जो टीम को छोड़ना, देन उनको मोटिवेट करना कि दोबारा ज्वाइन करें। एंड में यही सवाल रहता है जो मैं अभी रिवील करूँगा, कि अगर वो ज्वाइन करती हैं क्या वो अच्छे नोट पे जाती हैं, बुरे नोट पे जाती हैं, मतलब एंड में क्या होता है। एक्टिंग की बात करें तो भाई, कंगना रनौत को यूं ही नहीं क्वीन कहा जाता बॉलीवुड का, शी इज़ क्वीन, उनको तो भाई रिव्यू नहीं कर सकते, वो तो बाकमाल है, शी इज़ वेरी गुड एक्टर। जस्सी गिल की बात करें तो ही इज़ चॉकलेटी बॉय, मतलब औरतों को पसंद आने वाला लड़का है वो, कि औरतें कहेंगी कि यार ऐसा हस्बैंड मुझे चाहिए, ये हस्बैंड मेरी लाइफ में आना चाहिए, क्योंकि उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया अपनी वाइफ को। और जो बच्चा लिया गया है, चाइल्ड एक्टर है फिल्म में, यज्ञ, उसकी भाई एक्टिंग बहुत बढ़िया थी। खासकर कास्टिंग डायरेक्टर को मुबारकबाद देनी बनती है कि उन्होंने क्या कास्टिंग की है और क्या डायरेक्टर ने उनसे रोल निकलवाया है, क्या डायलॉग्स दिए गए उनको, और बहुत ही क्यूट, बहुत ही प्यारे वे से उन्होंने डायलॉग कन्वे किया और बहुत ही अच्छा रोल निभाया है उन्होंने। आगे बढ़ते हैं फिल्म की जो गाने हैं उस पर। देखो, जावेद साहब ने इसका टाइटल ट्रैक लिखा है और वो मेरा फेवरेट है, क्योंकि जावेद साहब मेरे फेवरेट हैं, इज इक्वल टू वो गाना भी मेरा फेवरेट होगा। और इसका म्यूज़िक भी काफ़ी सुंदर है, काफ़ी अच्छा है, शंकर है साउंड लॉय ने इसका म्यूज़िक दिया है, और काफ़ी अच्छा म्यूज़िक है फिल्म का। स्क्रीन पे मैंने बता दिया कि फर्स्ट हाफ में आपको स्टोरी बिल्ड होगी, देन सेकंड हाफ में जाके कंगना जो है फाइट करेंगी कि अब मुझे टीम ज्वाइन करनी है, अब मेरे घर वाले क्या कहेंगे, जो सोसाइटी है वो क्या कहेगी, है ना, तो जो लोग हैं उनका लास्ट में रिएक्शन देखना बनता है। दो चीज़ें लास्ट में मैटर करती हैं, एक तो कंगना जब फाइनल्स में जब पहुँचती हैं लास्ट में वो, और जो फाइनल्स में पहुँचने के बाद उनके घर वालों का रिएक्शन वो, और जो फिल्म का एंड है वो बहुत ही प्यारे तरीके से दिखाया गया है, मतलब जो एक फैमिली है ना वो तो भाई इस फिल्म को देखने जाए ही जाए। एक्टिंग की बात कर रहा था तो नीना गुप्ता और रिचा चड्डा रह गए यार, ये बहुत बड़ी स्टार कास्ट है। नीना गुप्ता और रिचा चड्डा की बात करूं तो ये बहुत ही मंझे हुए कलाकार हैं, इनको तो मतलब पता है कि करना क्या है क्या नहीं करना। कुछ कुछ तो ऐसे लग रहा था कि यार रिचा चड्डा ने स्क्रिप्ट राइटर को कहा होगा कि रहने दो आप, स्क्रिप्ट ना ही लिखो, मैं खुद कर लूँगी, मतलब इतना अपने रोल के अंदर चली गई थी वो कि मज़ा आ गया यार रिचा चड्ढा को स्क्रीन पे देख के, और बहुत अच्छा रोल निभाया उन्होंने। नीना गुप्ता की बात करें तो आप तो उनकी परफॉर्मेंस जानते हैं, वो कैसा परफॉर्म करते हैं, कितना सुंदर स्क्रीन पे दिखती हैं वो, तो उन्होंने भी काफ़ी अच्छा रोल निभाया है फिल्म में। तो ओवरऑल फिल्म की बात करें तो फिल्म इज़ अ मस्ट वॉच फॉर अ फैमिली, मतलब अगर आप फैमिली वाले हो तो आपको लगता है कि यार वीकेंड पे क्या करा जाए क्या करा जाए, तो पंगा मूवी देख लीजिए यार, अच्छी मूवी है।
आपको मोटिवेट तो ज़रूर करेगी, खासकर औरतों को, जो औरतें घर पे बैठी हैं, मतलब घर गृहस्थी में आ गई हैं, जो मतलब कोई बाहर वाला काम नहीं कर पाती, जो कि बुरी बात नहीं, घर गृहस्थी में रहना कोई बुरी बात नहीं होती, अच्छी बात है, लेकिन जिनको लगता है कि कुछ ज़िंदगी में रह गया, ये चीज़ चाहिए थी मिली नहीं, उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, मोटिवेट हो जाओगे आप। फिल्म की रेटिंग की बात करूँ तो इसको मैं दूंगा 4.0 स्टार, मतलब 4 स्टार्स टोटल, 4.5 भी देता अगर लास्ट में जो क्या होता है कंगना रनौत का जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना, चलो इतना है कि कमर्शलाइजेशन है, मतलब थोड़ा सा फिल्मी दिखाना ही पड़ता है क्योंकि फिल्म है, 2 घंटे के अंदर अंदर आपको सब कुछ दिखाना है, तो वो थोड़ा सा खटका मुझे कि इतनी जल्दी है, इतना ऐसा कुछ, लेकिन शी वॉज वेरी गुड। अगर आप कंगना रनौत, जस्सी गिल के फैन हैं तो भाई 4.5 स्टार भी आप ले सकते हैं। मेरी तरफ से द इनसाइडर्स की टीम से हम फिल्म को देंगे 4 स्टार्स और दिस फिल्म इज़ मस्ट वॉच। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे गाइज। अगर आपको मेरा रिव्यू और मेरा कंटेंट अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करेगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।